अगर आपके परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन है और उनके खर्च के लिए आपके पास कोई नियमित आय यानी फिक्स इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो आप उनके लिए केंद्र या राज्य सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर कंट्रीब्यूट करती हैं। इस हिसाब से देश के हर राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना की रकम अलग अलग होती है। दिल्ली, हरियाणा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जहां वृद्धावस्था पेंशन के रूप में सीनियर सिटीजन्स को 1000 रुपए महीने से भी ज्यादा की रकम मिलती है, वहीं हिमाचल में 550, राजस्थान में 500, महाराष्ट्र में 600, बिहार में 400 और यूपी में 300 रुपए महीना दिए जाते हैं। केंद्र सरकार ने देश में वरिष्ठ नागरिकों को जीवन यापन करने में मदद करने के लिहाज से हर महीने एक तय रकम देने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना पेश की है। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में सारी डिटेल्स। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, व्यापार मंच में आपका स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही प्रेस करें इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बुजुर्ग लोगों को पेंशन देती है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत साल 1995 में हुई थी। वृद्धावस्था पेंशन योजना का क्रियान्वयन केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा मिलकर किया जाता है। इसमें लाभ पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जो रकम मिलती है उसमें कुछ हिस्सा केंद्र सरकार का होता है, कुछ हिस्सा राज्य सरकार देती है। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस समय देश में 3.5 करोड़ लोगों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार की पेंशन योजना में इस समय 3.19 करोड़ और राज्य सरकार की योजना में 28.74 लाख वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि इस स्कीम के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आइए जानते हैं कि इस समय क्या है वृद्धावस्था पेंशन योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी। सीनियर सिटीजन्स को हर महीने आमतौर पर 400 रुपए से 600 रुपए 1000 रुपए तक की दर तक पेंशन मिलती है। साल 2006 से केंद्र सरकार की वृद्धावस्था पेंशन में हिस्सेदारी 200 रुपए प्रति माह है। बाकी रकम के लिए केंद्र सरकार राज्यों को अतिरिक्त मदद भेजती है। पहले वृद्धावस्था पेंशन योजना में भाग लेने के लिए सीनियर सिटीजन की उम्र 65 साल थी, जिसे साल 2011 से घटाकर 60 साल कर दिया गया है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन ले सकता है वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाता है जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल जीवन यापन करने वाले परिवार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आवेदक के परिवार में पुत्र या पोत्र 20 साल से अधिक उम्र का है तो और लेकिन वह भी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहा हो, तब भी इस योजना का लाभ आवेदक को मिलेगा। 60 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन भले ही वो बीपीएल परिवार के नहीं हो, वृद्धावस्था पेंशन की पूरी राशि राज्य सरकार से पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि कितनी है पेंशन की राशि। 60 से 79 साल तक के आयु के सीनियर सिटीजन को हर महीने 300 रुपए से 1000 रुपए की दर से पेंशन का लाभ दिया जाता है। इस रकम में 200 रुपए भारत सरकार और बाकी रकम राज्य सरकार द्वारा अंशदान के रूप में दी जाती है। 80 साल या इससे ज्यादा की उम्र के वृद्धों को प्रतिमाह 500 रुपए की दर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के रूप में राशि प्रदान की जाती है। आइए दोस्तों जानते हैं कि कैसे मिलती है वृद्धावस्था पेंशन। बीपीएल परिवार के 60 या उससे अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्ति हर जिले में प्रखंड स्तर पर आरटीपीएस कार्यालय में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं। हर दफ्तर में अलग से अनुमंडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। काउंटर पर नामांकन कराने के बाद योजना का लाभ लाभार्थी को दिया जाता है। लेकिन अब राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी इसके लिए घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2016 से इसके आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब आपको कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाने की या धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस समय राज्य के 38,25,688 सीनियर सिटीजन को इस योजना का लाभ मिल रहा है। मसलन अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप यूपी की इस साइट पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं sspyup.gov.in/index.aspx। अगर आप हरियाणा के मूल निवासी हैं तो आप हरियाणा राज्य की इस साइट socialjusticehry.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो samagra.gov.in, अगर महाराष्ट्र के हैं तो aplesarkar.mahaonline, अगर यूके के हैं तो edistrictuk.gov, अगर राजस्थान के हैं तो rajssp.raj.nic.in पर अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आपको वहां से मिल जाएंगे, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने ये तो बता दिया कि कितनी पेंशन मिलेगी और ये भी बता दिया कि आपको कहाँ अप्लाई करना है या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अब बारी आती है ये जानने की कि आपको इस स्कीम में पेंशन अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए आयु प्रमाण पत्र और किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। आवेदन करने वाले व्यक्ति की फोटो, जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड नंबर, बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र। आइए अब जानते हैं कि कैसे लाभार्थियों का चयन किया जाता है, लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों का चयन ग्रामीण इलाके में ग्राम पंचायत के माध्यम से और शहरी इलाके में उप जिलाधिकारी यानी सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से किया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा भेजा गया प्रस्ताव खंड विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को भेजा जाता है। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है। अगर डॉक्यूमेंट सही है तो लाभार्थी के बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर दी जाती है। हर साल मई से जून में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन कराया जाता है। इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप sspy.up.gov.in यानी इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ये लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में अब आपको कोई क्वेरी नहीं रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर कोई क्वेरी या कोई सजेशंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।